हेलो फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। टाइम ऑफ थ्रो ड्यू टू इम्पैक्ट, संकट के उछाल में जो टाइम लगता है उसकी बात करता हूँ। ओके, सपोज दैट मेरे पास कोई बॉल है एच हाइट से 'H' ऊंचाई से ऐसे गिर रही है, तो जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी यू तो इसकी ज़ीरो होगी। ओके, उसके बाद इसकी कोई वेलोसिटी होगी, उसी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, एच बराबर कितना होता है भाई, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये इसको सेकंड फार्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ओके, फार्मूला कितना होता है हमारे पास, एच बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, कोई आपत्ति नहीं है। बट इनिशियली यू इजिक्वल टू कितना होगा, यू इजिक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हमारे पास एच इजिक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। और अगर मैं इसकी क्रॉस गुणा करके टी की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास निकलेगा बेटा 2H/G इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी निकल करके आएगा अंडर द रूट 2H/G। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई रत्ती भर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। टी कितना निकल गया भाई, टी इज इक्वल टू निकला अंडर द रूट 2H/G। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन वन। अब ध्यान से सुनना, जब एच ऊंचाई से बॉल गिरेगी और समतल से टकराएगी, मान लिया ये मेरा समतल है, ऐसे एच ऊंचाई से यहाँ से बॉल गिरी, ये मेरी ऊंचाई एच है। ओके, एच ऊंचाई से ऐसे बॉल गिरी हुई है, ऐसे गिर रही है, बॉल यहाँ टकराई, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ओके, व्हेन द बॉल इम्पैक्ट किससे टकराती है, टू एनी प्लेन देन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी भाई उसकी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2GH। यही तो होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो यू इज इक्वल टू कितना है, ज़ीरो है, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 2GH। और जब मैं V की बात करूँगा, V इज इक्वल टू कितना निकलेगा, अंडर द रूट 2GH। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मान लिया बॉल जो है इस फर्श पर टकराई, ये तो फिक्स है। अब टकराने के बाद आगे की बात करता हूँ, मेरे पास दो चीज़ें निकली हैं अभी तक। एक तो मेरे पास जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ चली थी उसका टाइम जो निकला था, टी इज इक्वल टू मेरे पास निकला हुआ था कितना भाई, अंडर रूट 2H/G आपके सामने है, टी इज इक्वल टू निकला हुआ था अंडर द रूट 2H/G। और ये जो वेलोसिटी निकल करके आई है, वी इज इक्वल टू कितना निकला हुआ है, एंड वी इज इक्वल टू मेरे पास निकला हुआ है अंडर द रूट 2GH। ये मेरे पास दो रिजल्ट पहले से ही आ चुके हैं, ये मैं सिंपल से, ये तो 10th क्लास वाली बात है यार, डायरेक्ट फार्मूला लगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, सॉरी एच इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू निकाल दी। दूसरा फार्मूला लगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, वी की वैल्यू निकाल ली। ये तो बच्चों वाली बात थी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करता हूँ। तो ये जो बॉल थी, ये बॉल ऐसे आ रही थी, इस फर्श पर टकराई,
टकरा चुके, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी ये मैं कैलकुलेट कर चुका था, यहाँ यू था, ये ऊंचाई एच थी, ये वेलोसिटी वी थी, ओके। इंपैक्ट के बाद इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इंपैक्ट के बाद बॉल ऐसे उठेगी, क्लियर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर इंपैक्ट, द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर इंपैक्ट अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो ये मैं प्रूफ दिया था कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ई इंटू वी होती है। लास्ट लेक्चर देखना, वहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मान लिया जाए मेरे पास जो है ये तो ऊपर की वेलोसिटी हुई, अब बॉल यहाँ से यहाँ तक गई, सपोज दैट बॉल एच हाइट कवर करती है, नाउ सपोज दैट बॉल कवर एच हाइट एट टाइम सपोज दैट कैपिटल टी। ध्यान से सुनना, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया है यार, बहुत बच्चों वाली बात बता रहा हूँ। बॉल यहाँ थी, एच निकाली, एच बराबर यू टी एक बट दो जी टी स्क्वायर से ये निकल गया, इसके ऊपर यहाँ वेलोसिटी काउंट की, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच ये निकल गया। अब बॉल यहाँ आने के बाद बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, जैसी बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको पता है कि उसका जो वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी होगी वी इज इक्वल टू कितना होगी, ई वी होगी, ओके। बॉल मान लिया एच ऊंचाई तक गई, सपोज दैट एच ऊंचाई तक गई, एच ऊंचाई तक जाने में टी टाइम लगा, ओके। तो जाहिर सी बात है जिस ऊंचाई पर जाएगी वहाँ तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, वी बराबर यू माइनस के जी टी होता है ना फार्मूला। भाई देखो ना, सरफेस मेरा ये था, बॉल यहाँ तक ऐसे मान लिया ऊंचाई तक गई, यहाँ तो वी जीरो हो जाएगा ना, अंतिम वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, यू कितना होगा मेरे पास, ई इंटू वी होगा ना, यही है ना। तो यहाँ जहाँ तक बॉल गई वी तो लास्ट वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, ई इंटू वी माइनस के जी, टाइम मैंने कितना ले लिया टी, क्लियर। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, दोनों बराबर किए, मेरे पास निकला ई वी इज इक्वल टू जी टी, और मैंने टी की वैल्यू निकाली, टी इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, टी इज इक्वल टू निकला ई वी अपॉन जी, मैंने वी की वैल्यू डाली टू जी एच, आपके सामने है, वी इज इक्वल टू कितना है ये देखो, आपके सामने लिखी हुई है वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, तो टी कितना निकल गया भाई, यहाँ लिख रहा हूँ इधर टी स्पेस है, ई इंटू अंडर द रूट टू जी एच अपॉन जी, नो प्रॉब्लम भाई, एक रूट के अंदर एक रूट से बाहर है, तो जाहिर सी बात है टी जो है ना वो ये भी लिखा जा सकता है, टी इज इक्वल टू ई इंटू अंडर द रूट टू एच अपॉन जी। बी एस सी के स्टूडेंट आप समझ जाओगे, ओके। अब टू एच अपॉन जी की बात करो, टू एच अपॉन जी किसकी वैल्यू है, चूँकि अंडर द रूट टू एच अपॉन जी बराबर किसकी है, ठीक है, तो कैपिटल टी कितना निकल गया, ई इंटू स्मॉल टी, दिस इज योर टाइम, क्लियर। कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना निकला, ई इंटू स्मॉल टाइम, फिर बता रहा हूँ, बच्चों वाला आर्टिकल था। अगर बी एस सी के स्टूडेंट होने के बाद आप ये भी चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो मेरा मानना यह है कि बी एस सी करना ही बेकार है आप लोगों का, ओके। फिर एक बात रिपीट करता हूँ, बॉल यहाँ से यहाँ तक आई, फार्मूला ये लगा, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ये हुई, बॉल इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट के बाद बॉल ऊपर की तरफ गई, वेलोसिटी ये हुई, वेलोसिटी होने के बाद मान लिया वो बॉल एच ऊंचाई तक गई और टाइम लगा टी, डायरेक्ट फार्मूला लगा, यहाँ से वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू निकाली, वी की वैल्यू डाली, टी की वैल्यू डाली, रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया, टी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ओके। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डालिए, आई विल help you. Bye.